आप देख रहे हैं NMP न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने खोल दिया था खजाना। शामिल हुए थे 8,000 मेहमान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नए मंदिर में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत भव्य समारोह के बीच की थी। देश के सबसे बड़े समारोह में देश विदेश के करीब 8,000 मेहमान शामिल हुए थे। इसमें कई अनुष्ठान सहित अन्य कार्यक्रम हुए थे। इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने 113 करोड़ खर्च किए थे। बृहस्पतिवार को हुई राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बीते वित्तीय वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा सभी ट्रस्टियों के समक्ष रखा गया। इसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हुए खर्च की भी जानकारी दी गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां दिसंबर 2023 से ही शुरू कर दी गई थी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अनुष्ठान 16 जनवरी से ही शुरू हुआ था। इसमें नेपाल व अमेरिका सहित वाराणसी के 100 से अधिक वैदिक आचार्य शामिल थे। इस अनुष्ठान में 1 करोड़ से अधिक खर्च हुए हैं। इसके अलावा देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रस्ट की ओर से बाग विजेसी, मणिराम दास की छावनी व कारसेवकपुरम में टेंट सिटी का निर्माण कराया गया था। टेंट सिटी के निर्माण में सबसे ज्यादा 35.97 करोड़ का खर्च दिखाया गया है। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से भक्तों के लिए निशुल्क भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था की गई थी। अन्य क्षेत्र में ट्रस्ट ने 5 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया है। अन्य क्षेत्र में रोजाना 5,000 से अधिक श्रद्धालु भोजन करते थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ट्रस्ट ने राम मंदिर में राग सेवा शुरू की थी। 60 दिनों तक चली राग सेवा में देश के विभिन्न विधाओं के प्रख्यात कलाकारों का समागम हुआ था। कई नामी कलाकारों ने रामलला के दरबार में राग सेवा की थी। इस कार्यक्रम में 93 लाख का खर्च हुआ है। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत पूजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके तहत घर घर पूजित अक्षत का वितरण कराया गया था और ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से अपील की थी कि अपने घर, गांव, मोहल्ले व नगर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन अनुष्ठान करें। इस योजना में भी 30 करोड़ से अधिक का खर्च होने की जानकारी ट्रस्टियों को दी गई है। आप देख रहे हैं NMP न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।